दोस्तों, जब टेस्टिस के अंदर जो ब्लड सप्लाई करने वाली वेंस होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो आपको सेक्सुअली प्रॉब्लम होने लगता है और स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका डायग्नोसिस करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि वेरिकोशील हो गया है। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा, वेरिकोशील क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या सिम्टम्स हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन, मात्र एक मेडिसिन से आप वेरिकोसील्स को कैसे बिना सर्जरी की सहायता से आप इसे ठीक कर सकते हो, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेरिकोसील को बिना सर्जरी से कैसे ठीक करें। दोस्तों, पुरुषों के जनन अंगों में टेस्टिस होते हैं जो दो होते हैं, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड होते हैं। दोस्तों, टेस्टिस एक थैली में लटके हुए होते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं या अंडकोश कहते हैं। दोस्तों, इसके जो फंक्शन है वो है कि ये टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, इसमें बनते हैं ये, और ये आपके बॉडी के बहुत सारी क्रियाकलापों में हेल्प करते हैं, आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी ये डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ब्लड सप्लाई जो की जाती है वो टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, और जब ये ब्लड टेस्टिकुलर वेन के थ्रू पेम्पेनिफॉर्म फ्लेक्सेस में जाता है, जब उस पेम्पेनिफॉर्म फ्लेक्सेस में वेंस में सूजन आ जाती है और किसी कारणवश ब्लड का जो आउटपुट होता है, जो सर्कुलेशन होता है, वो नहीं हो पाता है और जिसके कारण उसमें सूजन आ जाती है, तो इसी को वेरिकोशील कहते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि टेस्टिकुलर वेन में सूजन आने की प्रक्रिया को वेरिकोशील कहा जाता है। दोस्तों, इसके क्या कारण होते हैं? दोस्तों, मेडिकल साइंस में अभी तक टेस्टिस में जो सूजन होते हैं या जो वेरिकोशील हैं, इसके मुख्य कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, ये अभी अननोन है। लेकिन ये देखा जाता है कि 15 साल से लेके और 35 साल के एज में वेरिकोसील बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। दोस्तों, इसके डायग्नोसिस कैसे की जाती है, आप कैसे पता करोगे कि आपको वेरिकोसील हो गया है? जब कभी भी आपको टेस्टिस के अंदर नस फूल जाते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होती है और थोड़ा थोड़ा पेन होता है, तो आप डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हो, या अगर आपको इनफर्टिलिटी की केस आती है, इनफर्टिलिटी के दौरान अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, स्क्रोटम का अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया जाता है, तो उससे आपको कन्फर्म पता चलता है कि आपको वेरिकोशील है। ऐसे आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से कन्फर्मेशन नहीं पता चलता है कि आपको वेरिकोशील भी है। और इसके सिम्टम्स कभी कभी ऐसा भी होते हैं कि अपीयर नहीं होते हैं, डिसअपीयर रहते हैं, जिसके कारण ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपको वेरिकोशील है या आपको क्या प्रॉब्लम है। जब भी आप स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें कन्फर्मेशन हो जाती है कि आपको वेरिकोशील हो गया है। तो अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स की बात करेंगे तो टेस्टिस के जो नसें होती है वो फूल जाती है, ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। आपको जब ब्लड सप्लाई का कम होगा, ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि जो सेक्स हार्मोन बनते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो सही से रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिससे आपको स्पर्म कम बनता है, यानी आप एजुस्पर्मिया के शिकार हो जाते हैं,
और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या हो सकती है, टाइमिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ साथ आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी सेक्स से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, या आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, स्पर्मेटूरिया हो सकता है, ये सब इसके सिम्टम्स है, इसके प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर समस्या है तो समाधान भी है। दोस्तों अगर आपको वेडिकोशील्स कन्फर्म हो जाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में, तो होम्योपैथी में मात्र एक ऐसी दवा है जिसको लेने से आपकी वेडिकोशील्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो उस होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से पहले मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि आप किसी भी बीमारी के लिए अगर होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेते हैं तो एक कुशल होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर के आप ले। होम्योपैथिक मेडिसिन नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन आप एक अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह से ले आते हैं तो ये आपके बॉडी में कोई तरह की हानि नहीं पहुंचाती है और आपकी प्रॉब्लम्स जड़ से ठीक हो जाती है। तो चलिए मैं अब उस मेडिसिन के बारे में बताता हूं जो कि वेडिकोशील में यूज की जाती है और आपको बिना सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो ठीक हो जाती है, वो है हमामेलिस। दोस्तों हमामेलिस को मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, 10 बूंद सुबह और शाम में आपको लेना है। ये लगभग आप 15 दिनों से लेके 1 महीने के अंदर मिल लीजिए, कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी। दोस्तों और भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिंस है जो कि सिम्टम्स वाइज के अनुसार आपको यूज की जाती है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, शॉर्ट टाइमिंग की कमी है, स्टेमिना की कमी है, तो उसमें आप एसिड फॉस मदर टिंचर आप में आप ले सकते हैं, या आप डैमियाना मदर टिंचर में ले सकते हैं, सेलेनियम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, या आपको एजोस्पर्मिया भी है तो उसमें आप रेडियम ब्रोमाइड 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, या अगर आपको चोट लगने के कारण वेरिकोशील हो गया है तो आपको अर्निका हेल्पफुल होती है, पल्साटिला हेल्पफुल होती है, कैल्करिया फ्लोर 6X हेल्पफुल होती है। तो बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिंस है जो कि वेरिकोसील्स को जड़ से ख़त्म कर देती है, आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्जरी बहुत ही पेनफुल होता है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपको वेरिकोसील है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिंस का यूज करें और इसे 100% ठीक कर सकते हो बिना किसी सर्जरी के। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और बगल में शेयर का ऑप्शन है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। दोस्तों मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूं, अगर आपको मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाना है या ट्रीटमेंट करवाना है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने का तरीका है, आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अगर आप मेडिसिन होम डिलीवर करवाना चाहते हो वो सुविधा भी उपलब्ध है, आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।